कृपा पैर कृपा महानदी है अपार। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। डीएनएक्स दिखैया जम्मू दर्शक मल्ला जय जोहार। और मनीष जी जय जोहार। जय जोहार। तो मनीष जी आज तो बड़ा खुश दिखा था स्काई बातें का। अब खुश दिखे के बात ये है भैया कि किसान मन के लिए कुछ घोषणा जो आज हुए वो एक बहुत अच्छा घोषणा है जेकर बरसों से सब इंतजार भी नहीं थे। अच्छा कि कुछ ना कुछ अच्छा हो तो हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गलो है बढ़िया घोषणा करे हो वो तो, राजीव गांधी न्याय योजना केंद्र सरकार से भी वो कुछ घोषणा हो है जमा कुछ जो उपज है हाँ वो मतलब नियंत्रण से बाहर रखे हो मतलब नियंत्रण से बाहर रही तेन जन दाम वाले जन मामला है कि हाँ, हाँ, हाँ दाम वाले हाँ। तो मनीष जी ये जन तो एक अच्छा खबर है भैया। हाँ नहीं पाएंगे तो खुश तो सब लोग होना चाहिए। सवाल ही नहीं है और खास करके किसान मन तो खुश होने चाहिए। बिल्कुल जागर तोड़ जिन मेहनत करते ओखर साथ हमारे देश में एक समस्या रही मनीष जी कि ओखर उपज के दाम ल कोनो दूसर तय करते और कारखाना ल देख लन अपन तो जिन भी ओखर मन के उत्पादन है वो दाम कारखाना के भीतरी चले तय होके बाहर आते और ओमा वो स्टिकर लगे रही दाम वाले कि MRP इतना इतना है तो अक्कम हम लोग ले चलो पड़ते हैं। लेकिन किसान के जो उपज है ओखर उपज लोग कौन दाम लोग कौन दूसर तय करते और ते पाई के किसान मन है गरीबा गरीबा चली थी आज तक। हाँ आज तक ये हाल है। अब तक खुद खेती किसानी करता सिर्फ बिल्कुल तो एक चीज भूपेश बघेल के बहुत अच्छे रीस है कि जिन समर्थन मूल्य की घोषणा हो है और उमा जैन वो ऊपर रहा पुरो के मुँह के रीस है तेन हाँ अब 2500 फिर वो 1800 का डिफरेंस। हाँ वो जैन अंतर के राशि है तेन अब 21 मई से चालू हो जाए सबके खाता में आना और 21 मई कवर राजीव गांधी के जन्मदिन। हाँ तो राजीव गांधी भी एक बड़ा दूरदृष्टि रखने वाला हमारे प्रधानमंत्री रही है और उनका योगदान बहुत बड़े रहे हैं IT सेक्टर में हम देख रहे हैं और फिर ओखर अलावा ये किसान मन के लिए भी ओखर एक अच्छा स्पष्ट सोच रही है तो ये एक अच्छा मौका में वो किसान मन के लिए वो शुभ हो जाएगी। और फिर वो केंद्र सरकार वाले वो काय बताते हैं थोड़ा फरियाद बताते हैं। हाँ वो नियंत्रण से मुक्त करेंगे। हाँ केंद्र सरकार है तो किसान मन के लिए काफ़ी कुछ घोषणा करेगी। हाँ कल लोन के लिए हाँ और मतलब फसल के लिए आप लोन ले सकते हो। अभी चमोरी अभी फ़ोन आ रही थी। अच्छा यह सोसाइटी ले कि भाई आप लोग लेना है तो बताइए। अच्छा सोसाइटी हेलो आप फोन कर करके पूछा नहीं वो परिचित है कि अच्छा, तो अच्छा, सोचिस की वो सूचना है मतलब एक जन परिचित हो इसने वो परिचित मैं खबर करत हुई। अब एक ठन सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारा मन आपसी परिचित रहते हैं तो वो जो घोषणा है वो सबे के लिए सबे किसान के लिए बढ़िया है और ओखर से मदद मिली निश्चित रूप से। हाँ और खासकर अभी जो बारिश की जिसे देखा था ना अपन कि अच्छा से गर्मी जो है वो पड़त नहीं है। हाँ मौसम है तो मौसम हर दिन के आड़ में बहुत पानी गिरा थे या फिर ओला देखते हुए आगे के भी थोड़ा से अनिश्चितता बने हुए तो ये सब चीज़ जो है वहाँ काम आई कि भाई चलो नुकसान हुई तो कहूँ कोती ले तो भरपाई हो। हाँ किसान आत्महत्या करे से बचे। हाँ भाई बड़ा त्रासदी वाली स्थिति भी थे जल हम अन्नदाता किसान तेन कर्जा के मारे हुए चाहे मौसम के मारे हुए चाहे वो कुछ कारण हुए आत्महत्या कर लेते बहुत बड़ा आत्महत्या कर लेते कर्जा में डूब जाते। हाँ हाँ जबकि एक बात मैं बताऊं भैया और दर्शक मतलब बताऊं। हाँ मनीष कि मोर ख्याल से मोर ही से मानना है
कि किसानी जो है एक ऐसे व्यवसाय जो दुनिया के सबसे पुराना व्यवसाय, सबसे पुराना दुनिया भर, हाँ, और हमारे देश के हर नागरिक को ओकर परिवार कहीं ना कहीं, चाहे वो पूर्वज ले बोलो, हाँ, या कोई अवला बोलो, हाँ, वो खेती किसानी से जरूर जुड़े चले जुड़े चले, और कृषि प्रधान देश ही है, मोर ख्याल से अन्नदाता मन भर काम करना बहुत अच्छा बात है, बहुत मत हाथ होने लगे, ये पुण्य के काम है, बिल्कुल, किसान खुश रही और किसान समृद्ध रही तो किसान के मेहनत ले हमारे देश है, हमारे प्रदेश है समृद्ध रही और सुखी रही, बिल्कुल, ओकरे ऊपर से आज देखो ना कोरोना के बावजूद भी सरकार, हाँ, मुफ्त में चावल चावल बांटत है, बिल्कुल, हाँ, वो तो एक बहुत बड़े किसान मन के योगदान है भाई, और ये योगदान ले तो कोई इनकार कर ही नहीं सका है, बिल्कुल, और हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान मन और ख़ास तौर छत्तीसगढ़ के जैन किसान मन हैं तेन मन और फोट हुए, और छत्तीसगढ़ में के जिक्र मैं एक कारण करता हूँ मनीष जी, हमारे यहाँ जैन छोटे किसान रही हैं, सीमांत किसान जैसे हम कहन, लघु किसान जैसे हम कहन, उमन अपन पुश्तैनी काम ल छोड़ के मजबूरी रही थे, हाँ, तो ओकर से कि उमन खेती किसानी छोड़ के पलायन कर लेते हैं, या अब जैसे शहर बड़े हो गई, उद्योग धंधा नवा नवा खुले लगी, कारखाना खुलिस तो कारखाना में 4 पैसे ज़्यादा मिलीस, तो मन कारखाना में मजदूर बड़े बड़े तैयार हो जाते हैं, या कंस्ट्रक्शन पे जब काम चलते हैं तो माँ उमा चल रहे थे, तो एक सब होते ये कि जैन उखर मूल काम है वो तो पिछवा जाते, और किसान बहुत दुख के साथ मुला कहना पड़ा थे कि किसान हम मजदूर हो जाते, किसान लोग मजदूर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और बोला इससे लगते मनीष जी कि किसान जो रहते वो बहुत स्वाभिमानी रही थे, बहुत स्वाभिमानी रही थे, और अभी जिसे बीच में बहुत अकन चर्चा वर्चा भी चलत रही से उनका कहना भी अपन हिसाब से सही है, लेकिन मोर ऐसा मानना है कि किसान मन ला जैन नगद दिए तो जैन बात होते कि उनका खाता में नगद पैसा डाल दो, समय के हिसाब से ठीक हो सकते, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति है एहसान के मोटर लादे लादे ज़्यादा समय तक नहीं चल सका है, तो ओला स्वाभिमानी रहन दो और ओला स्वावलंबी बनाओ, और ये एक अच्छा भी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री गलो किसान है, बिल्कुल सही बात है भाई, तो वो किसान मन के बात लो समझते, और तभी अभी कैबिनेट के बैठक जैन प्रारंभ हुए हैं, वो मान वो एक बहुत अच्छा सुझाव प्रधानमंत्री जी ने हैं कि मनरेगा के जैन काम है ओला खेती किसानी जोड़े जाए, तो ये काम में एक किसानी करने वाला व्यक्ति ही बहुत अच्छा जानता है कि किसान के सामने कौन कौन ढंग के समस्या आते हैं, लेबर के मुख्य रूप से समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या रही थी, और जहाँ खेत में काम कर रहा नहीं मिला है तहाँ लुवाई पिछवा गए, पिछवा गए रोपा लगे पिछवा गए, वही सब पिछवा खेती किसानी पिछवाई, हाँ वो ठीक अच्छा एक पहल है होगा, और ओखर से जिसे मनरेगा के जो श्रमिक रही वो मतलब बारिश में भी काम मिले, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मनरेगा में जो मन जाते मनीष जी उमा मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े प्रतिशत जन है वो किसान मन के है, हाँ, जब उन मनरेगा के मजदूर हो गए हैं, अच्छा वही कि उमल वापस खेत डहर लाने खेत डहर लाना, और अभी जैन ढंग से पैकेज के बात आप करते चाहो, और आज किसान मन के आमदनी बढ़ाए बर गांव में स्टोरेज खोले के और उनकर फसल बाजार उपलब्ध कराए, हाँ, केंद्र सरकार अपन को भी प्रयास करी, तो ये एक बहुत अच्छा बात है, अच्छा, और किसान समृद्ध हो ही ऊपर हाथ में पैसा रही तो पैसा निश्चित रूप से बाजार में जाए, काबर कि हमारे देश में माने जाते कि किसान जो है वो सबसे बड़े उपभोक्ता है, बिल्कुल, जैसे नवा फसल आते बाजार में देखा हो आप पैसा के एक ठन वो प्रवाह बन जाता है, हाँ, बाजार बहुत कुछ डिपेंड भी थे, हाँ, जिन साल फसल अच्छा होते वो साल अच्छा व्यवसाय भी होते, हमारे शेयर बाजार के ऊंचाई बढ़ जाते, हाँ, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ जाते, तो कुल मिला के कहना ये है कि खेती किसानी तरफ जैन सरकार के ध्यान जाते वो बहुत अच्छा बात है, और हमारे जैन पशुपालन के लिए भी केंद्र सरकार आज
कुछ पैकेज की घोषणा करे है तो वो बहुत अच्छी बात है, ताकि खेती किसानी और पशुपालन अलग नहीं करे जा सके। आज गांव में जो हम समस्या देखता है कि लोगों के पास जानवर नहीं है, मवेशी नहीं है, तो वो एक ठन समस्या आधुनिक खेती की वजह। हाँ, तो अब तो चौपट यही बात चले थे भाई कि परंपरागत खेती तरफ हम लोग चलना चाहिए करके, तो परंपरागत खेती का घुरुआ तो मुख्यमंत्री जी ये बात ना समझे हैं, मुख्यमंत्री जी ये बात ना समझे हैं कि भाई परंपरागत खेती के कोई विकल्प नहीं है, आप रासायनिक खाद डाल के पूरा जमीन लग के बंजर हो गए हैं, वो सुधरी तो केवल हमारे घुरुआ खातू सुधरी, उत्पादन भी बढ़ी और वो जब फसल उपस्थ है तो नुकसान नहीं करो। मनीष जी एक ठन खबर हो है कि काल बिहिया बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले से, प्रधानमंत्री के नाम से पहली पूजा पहला पूजा हुआ है, फिर अभी उतना रौनक नहीं भी से करोना से भी पूरा सब आय बाय हो गया वही सब काम। ओकर पीछे एक काज में पढ़ात रहा वेबसाइट में ओकर आरती के संबंध में अच्छा एक ठन बात देखे हूँ मैं काफ़ी वेबसाइट में देखे तो ओकर आरती ला जिसे बताते कि एक बद्रुद्दीन सिद्दीकी हाँ बहुत चर्चा सुने थे वो है लिखे करके। हाँ हाँ बहुत सारा वेबसाइट भी खोले हुए हैं लेकिन वो अभी भी पुष्टि नहीं हो पाती, पुष्टि नहीं हो पाते उधर। हाँ बल्कि दूसरा एक वर्धमान कुछ ही से कुछ नाम होकर अच्छा ओकर पुष्टि हो अच्छा तो मेरे ख्याल से 2018 की बातें हैं जब यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो फिर घोषणा करे हैं कि ये आरती जो है वो कौन लिखे वो क्लियर कर दें। अच्छा ये बात है मतलब अब साफ हो गया है कि भाई अब लिखे है फोन लिखे है अब ये मामला लगभग अब वो पूरा साफ हो लगभग खत्म। चलो अच्छा है लेकिन एक अच्छा बात है कहीं ना कहीं पे कोई चर्चा के माध्यम से ये सारा चीज क्लियर हुई। तो क्या है मनीष असल में हमारे देश जो हिसाब के है तेम हिंदू और मुसलमान जिससे कोई बात रिवील करे नहीं से, चाहे हम रस खान के बात लग कर लें चाहे हम रहीम के बात लग कर लें, तो इनखन मन के जन भक्तिपूर्ण एमन जन लिखे हैं वो कृष्ण के बारे में है तो वैसे तो लगे नहीं कि कोई आने मनखे वाले लिखे है, अब तो भक्तिभाव में डूब के वही लिख सकते जैसा श्रद्धा विश्वास और पूरा आस्था हुआ है वहाँ। अच्छा मैं एक चीज़ और पढ़ा था कि ओकर नाम जो रही फखरुद्दीन रही से अच्छा लेकिन वो है बद्रीनाथ जी के भक्त रही से अच्छा तो बद्रुद्दीन वो तो वो ओकर हमार बिस्मिल्लाह खान देखो ना भाई हाँ कैसे गंगा मैया के सामने वो शहनाई बजाना है वहाँ बोला ईश्वर के भी अनुभव हो रही से वो बिल्कुल तो आपको कहाँ है वो बिल्कुल। मनीष जी खेती किसानी की बात तो हो गई बद्रीनाथ के कपाट खोलो पूजे और बद्रीनाथ के जन कपाट खोले वो दिखाऊ भाई हाँ बोला बढ़िया ओकर वीडियो दिखाऊ कैसन कैसन वो पूरा सब आयोजन ओकर होते हाँ। ये लोगन के लिए देखे बहुत महत्वपूर्ण चीज रही थे ओकर मरके बद्रीनाथ पहुँच नहीं सका बिल्कुल अपन दर्शक लगन जरूर बिल्कुल दिखाऊ भाई और अपन बहुत वाला चेत लगा के देखू ताकि हर मन के बद्रीनाथ धाम जा नहीं सके बिल्कुल। आज की महाभिषेक पूजा की जो पहले मेरे पास रसीद आई है आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है और पूरे राष्ट्र और विश्व की कामना के लिए शुभ और संकल्प के लिए और साथ ही सुरक्षा के लिए हम आज प्रथम पूजा भगवान की करेंगे।
मनीष जी एक ठन संसो खबर और है भाई, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित 6 जन नवा और मिले हैं, तो अब वो संख्या है बाढ़ के हो गए है 10। अभी जो नवा मिले हैं तेन मन है बालोद के, कल एक मिले रही, कल एक मिले रही से। और एक ठन और खबर और है कोरोना संबंधित कि हमारे देश में कोरोना वायरस के जेन हमला हुआ था, चीन जेन आंकड़ा बताए है हम उहोल पार कर डरे। चीन के जो मतलब ऊपर मन के अथराइज जो आंकड़ा है, हाँ चीन जेन आधिकारिक रूप से जेन अपन आंकड़े बता रही से भारत में ओखर से ज्यादा अब कोरोना प्रभावित हो गए हैं। अब लगभग लगभग वह 83,000 संक्रमित लोग हैं। हाँ। तो ये ढंग से हम लोग और सावधानी रखना चाहिए, पूरा ढंग से हम लोग सचेत रहना चाहिए। और जिस हम बात करे चले हम कल की 17 तारीख के बाद का कैसे, तो अब तो भाई अलार्म वाले घंटी जलक है। हाँ। पूरा जो चेतावनी है वो चेतावनी आगे है और हर किस्म के सावधानी बरतना चाहिए, चाहे वो साबुन से हाथ धोए मामला हो, मास्क लगाए मामला हो, चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, तो वो हर सावधानी हमला बरत के रखना चाहिए, तभी हम कोरोना बाजबो, हमारे परिवार बाँची। और परिवार बाँचिस ना मनीष जी तो समझ लो मोहल्ला सुरक्षित, तब वो काय परिवार ला कहा रहे मनीष जी। कल जो है भैया वो विश्व परिवार दिवस रही थी। अच्छा। एक शुरुआत 1989 के पहली प्रस्ताव के बाद। अच्छा। दोबारा फिर प्रस्ताव लाएगी इस यूएनओ में, और वहाँ 1993 में आई प्रस्ताव होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से 94 96 96 से बनाना शुरू होगा। अच्छा। रिकॉर्ड लखंगालत रहे उन्होंने ऊपर। हाँ हाँ। तो मैं 96 से बताते, तो ये विश्व परिवार दिवस मनाए किसी कारण का तो बता भाई। वही अब सामाजिक रूप से अब देखो सबसे छोटे इकाई है मानव सभ्यता में। हाँ। ये परिवार जो है बिल्कुल, तो ओला बचाए के लिए वैश्विक स्तर पे जो कार्यक्रम होना चाहिए वो कार्यक्रम जो है यूनाइटेड नेशन करते हर साल, उसमें बहुत सारा आयोजन भी करते वाद विवाद और ये प्रतियोगिता टाइप के, ताकि लोगन जागरूक रहे कि परिवार ला बचाना बहुत जरूरी है। अब देखो मनीष जी जिसम कह रहे हो कि सबसे छोटे कई परिवार है, तो हमार तो भारत के एक ठन संस्कृति जो भाई वसुधैव कुटुंबकम के, मतलब पूरा दुनिया ला हम एक परिवार के दृष्टि से देखते हैं। और यहाँ के जो परिवार की संस्कृति है वो आप लोग विश्व में कहीं कहूँ नहीं मिले, वो कहूँ नहीं मिले। जो संबंध है भाईचारा है, मतलब अंदर जो परिवार के अंदर एक दूसरे के बीच जो संबंध है, जो माया पीरक हाव आदर सम्मान है, सम्मान है, मुलाइजा है, बिल्कुल वो चीज़ नहीं मिला। हाँ वो नहीं मिला। और एक और चीज़ वो बताता हूँ मैं कि जिससे हम उन बड़े मन के पैर छूते हैं। हाँ। तो पैर छुए की परंपरा सिर्फ इंडिया में, हाँ भारत में, हमारे देश में, और कहीं आप लोग नहीं है। अब यही ला कोरोना से भी जोड़ के यदि हम देखें, मैं तो भी कहते चल रहा हूँ बात ला है ना, कोरोना से भी जोड़ के देखा तो कोरोना भी आए तो हमारे परिवार ला संगठित करे ला है एक तरह से, ये सोच सकते। और मोर तो कहना है मनीष जी कि कोरोना हाँ हमारे परिवार ला संगठित कर दे है। कर दे अबर कि इतना लंबा समय तक कोई आदमी मतलब घरे परिवार एक साथ कोई इसे मौका भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। अब ऐसा मौका मिलता है तो बर बिहार हो गए, तीस तिहार हो गए, तेमा अब वो जो वापस लौटा देते हैं जो अभी आखिर परिवार के लिए लौटा खुल भाई, जिन श्रमिक हमारे भाई मन है संगवारी मन है जिन कमाए खाए गए वो मन जिन वापस आते हैं हमारे परिवार एक बीच में आते हैं, वो मन हमारे पाप परिवार के हिस्सा छे हिस्सा छे। तो ये कोरोना है जो है वह भले ही हमारे मन के लिए ठीक नहीं है, अब वो भी हमन और बुलाथन तक तो आते न्योता दिल लाते भाई ऐसे कर दे न्योता देते तभी वो आते, तभी आते वो। लेकिन वो ये बताते बाहर खड़े होके कि आपके परिवार ला अब परिवार के साथ रहो। हाँ। और ओखर से बाहर मत जाओ, मत नहीं तो मैं खड़े हूँ बाहर। हाँ।
तो भले ही बुरा है हमारे लिए, हमार अनियंत्रित आजादी ले छीन ले, बहुत शब्द के इस्तेमाल करे अनियंत्रित आजादी, मतलब जो लठिंग लठिंग एती तेती किंदर है तेन अब खत्म, बिल्कुल जब तक तब तक खत्म है जब तक वो कोरोना रही। अब वो एक अच्छा काम है, बुरा जिला अपन बुरा सोचता हाँ, ओकर हाथ एक अच्छा काम भी होगा, हाथ एक ठन बने काम हुआ थे। तो एक ठन मैं और जिक्र करना चाहता हूँ, ये कोरोना जिसन अपन बात करा था ना, अब धीरे धीरे सब खुलत हुआ, बाजार खुलत है बिल्कुल, और सर आनी बानी सब दुकान उकान मन खुलत है। तो एमा अभी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मन ने बात कर रही है और कह रही है भाई कि 17 तारीख के बाद कौन योजना में हमें काम करना चाहिए, ओकर सुझाव वो सब मुख्यमंत्री मन ने मांगे रही है। तो भूपेश बघेल जिन सुझाव गए हैं तो वो सुझाव पे हम लोग चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, ताकि ये हमारे छत्तीसगढ़ का हुआ मामला है। तो उनका बहुत स्पष्ट सुझाव है कि जैसे रेस्टोरेंट है, बार है, स्पा सेंटर है, तो ओला अभी 17 तारीख के बाद भी नहीं खोलना है, काबर की ये ऐसा जगह है कम से कम 3 ठन जहाँ भीड़ जुड़ जाते थे, लोग एक दूसरे के संपर्क में बहुत ज़्यादा भी थे, तो सुरक्षा के जिन मानक तय करे गए हैं ओकर से ही अलग हो जाता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी यही कहे हैं कि जिन और दिगर आर्थिक गतिविधि है वो धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, और वो धीरे धीरे शुरू हो ही नियम कानून कायदा जिन बनाए गए हैं जिन गाइडलाइंस है ओकर उपयोग करते हुए वहाँ से काम शुरू हो जाए, तो जिन एक अवरोध खड़े हो गए हैं हाँ। वो है पटरी में आ जाएगी, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के मतलब जो जब का भी पिछले 3 लॉकडाउन के बाद से जो आर्थिक रूप से जो नुकसान है वो सारा चीज मतलब अब धीरे धीरे पटरी पे लौट, ये पटरी में लौटी। और एक संग में एक ठन चर्चा मैं आपके साथ वो करना चाहता हूँ और दर्शक मतलब मैं भलो बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई रही से तो वो समय प्रधानमंत्री जी कह रही है कि जिन कारखाना वाले मन है, निजी कार्यालय दफ्तर वाले मन है, ओमन अपन जब का कामगार हैं उनखर मन के तनखा मत काटो मत काटो, और मानवीय दृष्टिकोण से उनका कहना बहुत सही है, क्योंकि उनखर मन की जिंदगी उखर वेतन भरोसे चलत है। तो अब ये मामला गए से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के आज ये कहना हो है कि जिन कंपनी मन ऊपर जिन दबाव सरकार डाला थे कि तनखल मत काटो और उमा जिन FIR दर्ज करे के जिन प्रावधान दिए थे सुप्रीम कोर्ट है ओला आज हटा दे। सुप्रीम कोर्ट के कहना है कि भाई ये जिन तनखा देख मामला है ये लग कंपनी वाले मन के ऊपर छोड़ दिए जाए, और हम उम्मीद करते हैं मनीष जी कि जिन कंपनी वाले मन है वह मन मानवीय दृष्टिकोण अपना ही, बिल्कुल उनखर भरोसा में जिनखर पेट चलत है रोजी रोटी चलत है और उमन मतलब कोई समस्या दिक्कत मत आवे। और क्रम में मैं एक छोटो के जो बात हो रही थी एक हमार छत्तीसगढ़िया जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, अच्छा एक खबर उठो उनके लिए है तो बताओ भाई वाला कि हवाई जहाज में तो ज्वलनशील पदार्थ ले जाना मना है, मना रही थे, लेकिन विशेष रूप से 350 ml अच्छा जो सैनिटाइजर है जेकर से अभी हमन हाथ धोते हैं मत 70% अल्कोहल रही थे जी तब हो ले हाँ, लेकिन उकर एक लिमिट निर्धारित कर दे है कि 350 ml से ऊपर आप सैनिटाइजर नहीं ले जा सकते, मतलब हवाई जहाज में कहत मतलब ये है कि 350 ml के सैनिटाइजर ले जाके अनुमति नहीं है। तो ये हवाई जहाज में चढ़ैया मन के लिए रही से कि उमन अब हाथ ला जैसे सरकार हमार कहा थे बार बार कि हाथ ला थोड़ा थोड़ा देर में साफ करना है आप लोग, तो ये हवाई जहाज चढ़ैया मन के लिए हाँ अच्छा वो मतलब चेक लगा कर रहना चाहिए भाई। अच्छा एक ठन खबर है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो है भैया 100 करोड़ रुपया अच्छा सामाजिक सुरक्षा के लिए अच्छा भारत ला सहायता देते हैं, आड़ा मौका में ये भी अच्छा मदद है बिल्कुल। तो जिन लड़ाई चला थे कोरोना के खिलाफ उमा ये कर काफी ये मदद हुई काफी मदद हुई, और ये खास तौर पर ये सामाजिक सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं बिल्कुल, और वास्तव में ये क्षेत्र में खर्चा करी बहुत जरूरत के लोग। तो ये आज हमार मन के गोट रही से
और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मन ला पसंद आई से ही आप मन जरूर एक संबंध में कैसे लगी साप ला एक कमेंट जरूर करना यूट्यूब में हमारे जो चैनल है DNX TV में। और आखिरी एक रिक्वेस्ट जो हर बार प्रोग्राम में हम करथन कि हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो बगल में रहते घंटा एक तो वो ला जरूर दबाओ ताकि हमारे मन के जो भी अपडेट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। असल में का है मनीष जी हमारे दर्शक मन जब कमेंट्स देते ना हमला अपन पर टिप्पणी से हमारा हौसला बढ़ते बिल्कुल और हम कुछ नवा और करण ये हम हमारा प्रयास करते हैं। बिल्कुल आप मन के कमेंट हमारे मन के हौसला हमारे मन के हौसला बढ़ाते हैं और हम बेहतर करबो हाँ और आप मन के भी ऐसा और दर्शक मन देखें ऐसा कोनो वीडियो हो ही तो ओला भेजाओ तो मनीष जी अपन पूरा टीम के साथ होकर पूरा एक रिसर्च करी जांच पड़ताल करी तहन वह दिखाबो। बिल्कुल हम वो वीडियो दिखाबो आप एकर लिए हम अभी जल्दी आप मतलब एड्रेस बताबो ईमेल एड्रेस हम आप भेज सकते हो या व्हाट्सएप नंबर हम बताबो मैं भेज सकते हो और हम वो वीडियो दिखाबो। लेकिन एक चीज़ वो है कि वीडियो के सच्चाई पूरा होना चाहिए बोला आप खुद ही जाँचो। हाँ ये बात तो है भाई वो फेक न्यूज़ भर नहीं होना चाहिए। हाँ तो वो वीडियो की सच्चाई आप खुद जांच लेना और फिर ओकर बाद हमला भेजना हम दिखाबो बढ़िया वीडियो बना के भेजो और वो जरूर दिखा दें। तो मनीष जी चले जाए बिल्कुल DNX दिखैया जम्मू दर्शक मल्ला जय जोहार जय मनीष जी जय जोहार जय जोहार।